बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 2 दिन का शूट था, 2-3 दिन का शूट था और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मज़ा आया क्योंकि बहुत सारे यंग लोग थे सेट पर और एनर्जी थी सबके बीच। कुछ इम्प्रोवाइजेशंस थे जो हमने सेट पे किए। अच्छी बात ये थी कि इसमें डायलॉग्स नहीं थे बिकॉज एज यू नो कि एक म्यूज़िक वीडियो है, तो हमारे पास लिबर्टी थी कि हम एक दूसरे से कुछ शेयर करें, कुछ फन चीज़ें, कुछ एलिमेंट्स कुछ ऐड कर सकते हैं, तो वो किया हमने और इवेंचुअली अच्छा प्रोडक्ट निकला है। यस ओके अनमोल, व्हाट वाज योर रिएक्शन द मोमेंट द डायरेक्टर आई वुड से अप्रोच यू फॉर द सेम एल्बम, यू नो बी देयर ऑन द स्क्रीन, दो यू वी नो यू आर यू आर वेरी गुड सिंगर, थैंक यू, बट स्टिल व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड दैट टू विद पार्थ? सी फर्स्टली आई थिंक व्हेन पलाश आस्क्ड मी कि मेरा एक ही गाना है जो पलक ने लिखा है एंड ही इज कंपोज्ड म्यूजिक फॉर दिस एंड यासर हैज संग इट सो ब्यूटीफुली, so he told me there's this one video and can you be a part of it. The first thing I told him was, are you mad? Because I'm not an actor, but he's a friend and I decided to go ahead with it, and he, you know, he's a very 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 talented director. His set was absolutely wonderful, and then I met Parth, who's a fabulous actor, and like he said, so it's been a 2-day shoot and it was one of the best 2 days of my life because everyone was really nice. We all worked really hard. It was a frenzy. And I hope I've done a good job. So when the video comes out, I hope people like it. Palash, you know, casting always plays a very important part. Hamesha zehen mein tha ki you want Anmol, you want Parth to be a part of it. Of course, Parth toh sabse pehle tha. And uske baad Parth ki, you know, match ke liye ek bahut mushkil sa tha. Bahut sare options the. But I think... Inhone mujhe bahut sare options bheje the. Aur main uske se... How did you zero in on me? No. आई थिंक मैं डेस्टिनी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ एंड अनमोल सूट करी एकदम बेस्ट रहे, उसने बहुत अच्छा किया। वो बोल रही है वो एक्ट्रेस नहीं है बट आई थिंक शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस एंड आई सॉ हर प्रीवियस वर्क, इट वाज गुड, शी वाज लुकिंग प्रीटी इन दैट, तो मुझे लगा बस यही तो चाहिए। वाओ, आई हैव अ हिडन टैलेंट, थैंक गॉड। Yeah, besides being a singer, you can sometimes look. Sometimes. अच्छा, पलाश कहते हैं ये कि आपके गाने को अप्रिशिएशन मिलना शुरू हो जाए, दैट मींस कि सॉन्ग विल बी सुपर हिट। So do you think that कि इतने सारे views आपको मिले, इतने सारे likes मिल रहे हैं, इतने सारे लोग phone calls आ रहे हैं, Facebook पे लोग comments भेज रहे हैं, tweet कर रहे हैं आपको, do you feel that this is a good moment for you? हम लोगों ने मेहनत बहुत की है and I think सबको बहुत अच्छा लगे song, बहुत अच्छा गाया है यासिर ने जो कि उसका पहला song है and पार्थ ने, अनमोल ने बहुत अच्छी है, मेरी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आई थिंक आप सबको बहुत अच्छा लगे एंड बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे, बहुत ज़्यादा लाइक्स आ रहे, टीजर को इतने ज़्यादा व्यूज मिले and it's trending on Twitter and everywhere from last 3 days. Yeah. So ये आजकल सब लोगों को पता है कि social media is the next thing. तो जहाँ पर हम कोशिश कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें उतना अच्छा हो, रीच हमारी उतनी ज़्यादा हो, तो social media एक आसान तरीका हो जाता है हमको interact करने का लोगों से, तो और अच्छा response, अच्छा feedback मिल जाता है और उनको अब तक अपडेट पता है उनको कि बस आज होने वाला है या कल होने वाला है, 3 दिन बाकी है, तो एक अच्छी चीज़ है उनको भी इनके लूप में रखना। आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक नई वॉइस है, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी अरिजीत से कही जा रही है आपकी आवाज को, फ्रेश वॉइस है, कहां कहां नहीं हुई अगर आप पॉजिटिव अरिजीत बोल दो, बट स्टिल वो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोर्स बीइंग कंपेयर्ड टू द नंबर 1 सिंगर करंटली, तो वो ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट की बात है, बट ऑफ कोर्स वो मेरे नुआंसेस भी है जो काफी डिफरेंट है, वो बार बार सुनोगे और ऑफ कोर्स ये गाने में आपको देखने मिलेगा, सुनने मिलेगा कि थोड़ी अलग है आवाज़, काफ़ी अलग है, बट आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोर्स। ऐसा कहा जा रहा है कि आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड से हैं, फिर भी आप अच्छा गाते हैं, आई मीन कैसे? जी 10-11 साल की उम्र से मैं गाना गा रहा हूँ, सो आई गेस वो आ गया ऑटोमेटिकली सुनते सुनते। हम भी ऐसे ही कोशिश कर रहे थे, आज तक नहीं बनी। यही गाने चाहे हंसा दे या चाहे रुला दे, इतना ही चाहूं बस मुझको पना दे, तू जो कहे दुनिया भुला दूं मैं, तुझको ही अपनी दुनिया बना दूं मैं। He's not heard the song, he's not seen the video, and I know for a fact that he will love it. He's always believed a lot in Palash's talent, and now he's going to hear Yasir's voice, who's, you know, he's always loved Yasir's voice, he's going to see Parth.
I'm actually looking forward to showing him the video. So jab ye gana abhi 22nd ko release hoga, which is today. He's going to see it with everyone else, and I hope he loves it. And I think I know he will. अच्छा इसके अलावा आप दोनों सिंगर हैं तो रिसेंट टाइम में जो है रिक्रिएट करने का जो ट्रेंड चल पड़ा है तो आप दोनों को अगर कोई गाना रिक्रिएट करना होगा तो वो कौन सा होगा? आई थिंक जो ऑलरेडी सॉन्ग बन चुके हैं वापस उतना तो अच्छे बन ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते. लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है तो आई थिंक लग जा गले एक सॉन्ग है जो कि मैं हमेशा से मेरी सिस्टर और अनमोल के साथ बनाना चाहूंगा. ओह वाओ, आई डिडंट नो अबाउट दिस. अच्छा अगर एक दो लाइनें हो जाए वो गाने की ऑडियंस के लिए, लग जा गले या पलक नहीं है हम लोग के साथ, उसका भी फेवरेट सॉन्ग है. और यार व्हाट डू वी जस्ट गिव अ सरप्राइज, आप दोनों लोग हैं लग जा गले. आई थिंक यासिर बहुत अच्छा गाएगा. हां हां, नो बट इवन द ट्रेंड ऑफ रिक्रिएटिंग सॉन्ग्स वायो I think the trend of recreating songs is it was interesting, but I personally wouldn't want to get into it too much because jo gaane the bahut khoobsurat the, they had their melodic they were very beautiful in their melody, or I don't think there's any point in trying to ruin their beauty now. So maybe she can act in it and Palak will sing it. That would be better. He's after making her an actor.